वाठोड़ा के भारत फाइनेंस बचत गट में चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें ये चोरी करीबन 8 लाख के करीब की बताई जा रही थी। फिलहाल वाठोड़ा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3,90,000 के माल जब्त किए हैं। वाठोड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चोरी की एक घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब रहे कि इन 4 आरोपियों पर इससे पहले एक भी मामला कहीं पर भी दर्ज नहीं था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल 2 वाहनों समेत करीब 3,90,000 की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो वाठोड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत प्लॉट नंबर 23 शक्ति माता नगर निवासी फरियादी नरेंद्र भालचंद्र खानोरकर का परिसर में ही भारत फाइनेंशियल एक्सक्लूजन लिमिटेड नाम से कार्यालय था। इस कार्यालय के ऊपर का छत तोड़कर चोरों ने भीतर प्रवेश किया और ड्रोन में रखे नकदी 7,48,676 रुपए और चेकबुक चुरा कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज, डम डाटा या एनालिसिस वर सदर गुन्हा उघड झालेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये अद्यापपर्यंत 4 आरोप, या गुन्ह्यामध्ये एकूण 2,47,000 रुपये आतापर्यंत रिकवर झालेले आहेत। गुन्ह्यात वापरलेले 2 वाहनं, 5 मोबाईल अशी रिकवरी या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3,30,000 रिकवरी झालेली आहे। जय जो आहे तो वॉचर म्हणून बाहेर थांबला, इतर लोक आतमध्ये गेले आणि सदर जी तिजोरी आहे ती साधारणतः 40 किलो वजनाची आहे। तरीसुद्धा हे जे अंगकाठीने एकदम सडपातळ आहे, ते चारही आरोपी आपण जर बघितले तर अंगकाठीने एकदम सडपातळ आहेत, तरीसुद्धा यांनी त्यांच्या जी 2-व्हीलर आहे त्या 2-व्हीलरवर दोघांनी ती नेलेली आहे। कुसुंबी गाव आहे, तिकडे त्यांनी विहिरीमध्ये विहिरीच्या जवळ ती नेले, तिथं फोडले त्यांनी हातोडी आणि चिन्हेनी आणि नंतर त्यातली रक्कम काढून ती त्या विहिरीमध्ये ती पेटी टाकली होती, तिजोरी टाकली। ही सगळे ॲक्च्युली झोपडपट्टीमधलीच मुलं आहेत, थोडी असं वेगळा असं मध्यमवर्गीय वगैरे दिसून येत नाही आहे, शिक्षणाचा अभाव आहे मुख्यतः। आतापर्यंत जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर कुठले गुन्हे नाही आहेत। यात अजूनही आरोपी एक पाहिजे, आरोपी दद्दू उर्फ गुजराती म्हणून आहे आणि तो त्याच्यावर अगरपुडीचे गुन्हे आहेत असं आम्हाला माहिती मिळालेली, तो अटक करणे यात बाकी। आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बाइक और आधा दर्जन के करीब मोबाइल समेत करीब 3,90,000 का माल जब्त किया था। ये कार्यवाही पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 4 नूरुल हसैन, सहायक पुलिस आयुक्त सक्करधरा विभाग पुंडलिक भटकर के मार्गदर्शन में किया गया था। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।